हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी ऑनलाइन परचेज के रिव्यू, लेकिन इस बार कुछ अलग है। आज तक मैंने जो कुर्ता साड़ी या कपड़ों के ही रिव्यू डाले हैं, ये फर्स्ट टाइम मैं किचन प्रोडक्ट्स के रिव्यू डाल रही हूँ। मैं फ्लिपकार्ट से किचन प्रोडक्ट्स भी मंगाती हूँ, और अभी तो ऐसे क्रूशियल टाइम फिर से आने वाला है, थर्ड वेव फिर से चालू होने वाली है, तो इट्स बेटर कि आप बाहर ना जाए और आपको जो भी परचेज करना है आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोई भी साइट फ्लिपकार्ट का प्रमोशनल वीडियो नहीं आई, मैंने जस्ट परचेज किया है, तो मैं आपको साथ उसकी कौन सी प्राइस में कौन सी क्वालिटी मुझे मिली है, अच्छा है बुरा, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि कल से फ्लिपकार्ट में सेल चालू होने वाला है, जो प्लस मेंबर्स हैं उनके लिए तो आज से सेल स्टार्ट हो चुका है, और जो प्लस मेंबर नहीं है उनके लिए कल से सेल स्टार्ट हो चुका है। तो आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप उससे बाय कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट जो मैंने मंगाया है वो है सिलिकॉन के लीड है, ढक्कन जो हम बोलते हैं, तो ये अलग अलग साइज में आए हैं, 6 साइज है ये, छोटे से लेके सबसे छोटा साइज ये है और इससे बड़ा लेके सबसे बड़ा साइज ये है। तो ये सिलिकॉन के लीड है जिससे जो स्ट्रेच भी होते हैं, कि जैसे थोड़ा सा इससे और भी बड़ा है तो आप इसको स्ट्रेच करके लगा सकते हो। जैसे मैं आपको एक ट्राई करके दिखाती हूँ, आपको इधर साइड में ही इसका प्राइस दिख रहा होगा कि कितने में आया है। जैसे कि ये बाउल है स्टील का, हम ऐसे कुछ भी निकाल के, बचा हुआ कोई भी खाना होता है उसको हम निकाल के जैसे फ्रिज में रख देते हैं, या कुछ भी फ्रूट्स काट के फिर फ्रिज में रख देते हैं, तो हम उसकी साइज का, हर साइज के लीड हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये अलग अलग साइज मिल जाती है, तो ऑब्वियसली कोई भी ना कोई साइज तो फिट आ ही जाएगी, और अगर हल्का सा छोटा बड़ा है तो ये स्ट्रेच भी हो सकता है। तो जैसे ये बाउल है तो इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, इसको स्ट्रेच करके लगा देना है और फिर ऐसे साइड में जो ये दिए हुए हैं यहां से खींच लेना है, तो परफेक्टली टाइट हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे ही आप छोटे बड़े हर साइज को खोलना भी इजी है इसको, छोटे बड़े करके 6 लीड है ये सिलिकॉन के, तो मुझे काफी अच्छे लगे और यूजफुल भी है, और इसकी प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है, 190 के अराउंड मैंने लिए थे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मंगाया है मैंने कांच के ग्लास के बाउल मंगाया है, सर्विंग बाउल 3, जिसमें 3 साइज में है ये, कुछ ऐसे पैकिंग में आया है फ्लिपकार्ट से मेरे पास, अलग अलग 3 साइज में है ये। एक है 420 ml का बाउल, 800 ml का बाउल और 1430 ml का बाउल, तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ अंदर से कैसा है। ट्रियो कंपनी का है ये, इसके कांच की चीजें मैंने पहले भी यूज की हुई है, जार वगैरह अच्छा रहता है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स। तो अंदर से कुछ ऐसे पैकिंग में आया है, जो इसका सबसे छोटा बाउल है वो ये साइज में है, हल्की सी लाइनिंग दी हुई है इसमें। उसके बाद जो सेकंड नंबर का बाउल है वो इस साइज में है, और जो सबसे बड़ा बाउल है वो इस साइज में है। आप कुछ भी सर्व कर सकते हैं इसमें। इसकी प्राइस कुछ 700 रुपीज थी, लेकिन मैंने सेल में जब परचेज किया तो ये मुझे कुछ यहाँ पे साइट पर दिख रहा होगा अभी कितने का है, मैंने कुछ 350 अराउंड का लिया था, एग्जैक्ट प्राइस मुझे मालूम नहीं है। मैं इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अगर आपको परचेज करना है तो आप क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे, और तुरंत आपको उस साइट पे ये मिल जाएगी प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो दिया हुआ है कि ये है स्क्रैच रेसिस्टेंट, डिशवॉशर सेफ, ऑर्डर फ्री और फूड सेफ। इसमें माइक्रोवेव के लिए नहीं दिया है, तो आई थिंक ये माइक्रोवेव में यूज नहीं कर सकते हम। तो इस प्राइस में मुझे अच्छा लगा क्योंकि कंपनी भी अच्छी है इसकी, अगर ग्लास के बाउल में कुछ सर्व करो तो अच्छा भी लगता है, और जैसे हम रेसिपी की वीडियोस बनाते हैं कुछ मिक्स करने के लिए, केक और का बैटर भी मिक्स करने के लिए, तो कांच के बाउल में अच्छा रहता है। तो अगर आपको परचेज आया तो आप ये बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है वो है सूप एंड जूस स्ट्रेनर। एक्चुअली मुझे इससे बड़ा चाहिए था, तो लेकिन जब आया तो ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, लेकिन ठीक है ये साइज का भी रख लेते हैं, एक बड़ा और मंगा लेंगे। तो इसकी प्राइस आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रही होगी, 140 समथिंग का है, प्लस डिलीवरी चार्ज इसमें एक्स्ट्रा था 35 रुपीज, लेकिन आजकल सब महंगाई हो गया, इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, इतनी भी बुरी नहीं है, क्वालिटी अच्छी है। बाहर जाएंगे आपको तो महंगा ही मिलता है आजकल, और टी स्टेनर ही इतने महंगे हो गए, 8500 का तो टी स्टेनर आ जाता है अच्छा वाला,
तो इसको मैंने कुछ भी, जैसे हम कुछ बनाते हैं स्वरा के लिए पास्ता नूडल्स ऐसा भी कुछ बना के रखते हैं तो अच्छा रहता है, अगर इसके लिए मुझे बड़ा चाहिए था, लेकिन इट्स ओके. तो ये एक मैंने मंगाया है सूप एंड जूस स्ट्रेनर. नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है वो है सिलिकॉन का ही है ये इसको जैसे ही हम कुछ गर्म होता है उसको पकड़ने के लिए, काफी टाइम से मुझे मंगाना था और इसको तो मैं यूज भी कर चुकी हूँ क्योंकि इसको इसके पहले वाले ऑर्डर में मैंने मंगाया था और काफी हेल्पफुल है ये किचन में. तो जैसे ही हम दो हाथ से कुछ पकड़ने जाते हैं तो या तो हम कपड़ा यूज करते हैं और या तो फिर वो जो क्या वो हम तो सांसी बोलते हैं गुजराती में, क्या बोलते हो आप लोग उसको यूज करते हैं, तो एक साइड तो आ जाता है दूसरे साइड कपड़ा लेना पड़ता है, तो इसके लिए काफी अच्छा है. पॉपेट जैसा लग रहा है ना. एक्चुअली मैंने इसमें ग्रीन कलर मंगाया था लेकिन इसमें ये कलर आ गया. ठीक है, इसको कोई भी कलर आए यूज ही करना है हमको किचन में, तो ये भी काफी यूजफुल लगा मुझे ये. तो ये थी मेरी किचन प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगाए थे फ्लिपकार्ट से. तो आप मुझे बताइए कि अब पता नहीं, मैंने तो सब यही सोच के मंगाया है कि ये सब बहुत ही काम के प्रोडक्ट्स है, बहुत हेल्प आएंगे मुझे किचन में, लेकिन अब यूज करने के बाद ही पता चलेगा कौन सा यूज में आता है कौन सा नहीं आता. कई बार क्या होता है कि हम मंगा तो लेते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हाँ ये तो मुझे चाहिए, ये तो मस्ट है किचन में, इससे बिना तो मेरे चलेगा ही नहीं, और फिर मंगवा लेते हैं ले लेते हैं और उसके बाद इतना कुछ काम में ही नहीं आता है, हमको लगता है कि ये तो नहीं भी होता तो भी चलता है. तो अगर आपने से भी किसी ने ये प्रोडक्ट्स यूज किए हुए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, या फिर आपको कौन सा प्रोडक्ट इसमें से सबसे ज्यादा पसंद आया है. और गाइस प्लीज आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूले, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही नए नए वीडियो इस चैनल पर डालती रहती हूँ. थैंक यू. और सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको आपको जो भी बाय करना है आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं और उस साइड से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी. थैंक यू.